बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज आप अपने लिए काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं। सुजुकी मरगल्ला GLX 1.3 1996 मॉडल है और ओरिजिनल बम्पर टू बम्पर आपको ये ओरिजिनल कलर के अंदर गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी के अगर ओरिजिनल माइलेज की बात की जाए तो 9000 के लगभग गाड़ी ओरिजिनल चली हुई है। लोकेशन की बात भी कर लेते हैं। लोकेशन इसकी है जी बंगेश मोटर शोरूम के ऊपर पिशावर। आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल गाड़ी मिल जाएगी, आप उनके साथ डील वगैरह कर सकते हैं। गाड़ी की अगर प्राइस वाइज बात की जाए तो इसकी 22 लाख डिमांड है, क्योंकि यार आप अभी कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि इतने प्राइस के अंदर हम GLI 2003, 4, 5, 6 मॉडल ले सकते हैं। भाईजान, एंटीक गाड़ियों की एक अलग प्राइस होती है और इसके अलावा जो रूटीन वाइज गाड़ियां चलती हैं उनकी अलग प्राइस है। जो शौकीन बंदे वो इस तरह की गाड़ियां ढूंढते हैं, उनके लिए 30 लाख भी इस गाड़ी का कुछ नहीं है। तो अभी माशाल्लाह काफ़ी नीट एंड क्लीन बम्पर टू बम्पर अभी क्लियर गाड़ी है और पिशावर की गाड़ी रजिस्टर्ड भी है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला इस गाड़ी के डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं, इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर देखते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको वीडियोस की पूरी डिटेल दिखा दी गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर किस तरह का, लेकिन अभी जस्ट वॉइस के हिसाब से अभी रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें गाड़ी की कलर की, तो इन मॉडल्स के अंदर जी 4 से 5 कलर आए हैं। एक आया इसके अंदर वाइट, एक आया जी आप लोगों के सामने ब्लैक, एक इसके अंदर रेड वाइन कलर आया, एक इसके अंदर आपको जो ना टैक्सी वाइज चलती थी तो इसके अंदर आपको कलर मिलता था येलो, एक आया है जी ग्रीन कलर लेकिन वो कम देखने को मिलता है मार्केट में, और एक आया सिल्वर वाइट कलर। अभी आप लोगों के सामने जी ब्लैक और माशाल्लाह काफ़ी नीट एंड क्लीन कलर है। फ्रंट बानेट की बात की जाए तो बानेट के दोनों तरफ आपको मिल जाते हैं जी वॉशर, मिडम में आपको कर्व्स बने हुए मिलते हैं। बानेट की मिडम में आपको सुजुकी का क्रोम का आपको इसके अंदर लोगो मिल जाता है। नीचे आपको छोटी सी ग्रिल गाड़ी के एयर के लिए, इंजन के लिए। नीचे आपको इसका हार्ड प्लास्टिक का ओरिजिनल बम्पर मिलता है। अगर मार्केट में अगर इनकी प्राइस वाइज बात की जाए तो अभी ओरिजिनल तो बम्पर ये इसके नहीं मिलते, क्योंकि ये ओरिजिनल कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का होगा। अगर ताइवानी बात करें तो वो आपको 2 से 3 हज़ार, 4 हज़ार का भी मिल जाता है। ठीक है, ये क्वालिटी वाइज में बात कर रहा हूँ। इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको ग्लासेस नुमा हेडलाइट्स मिलते हैं प्लास्टिक के वाइट कलर के। आपको इसके अंदर इंडिकेटर्स जिसके अंदर आपको येलो की लाइट्स मिल जाती है रेड कलर की। बम्पर के मिडम में आपको क्रोम की आपको ट्रिमिंग, नीचे आपको इंडिकेटर, नीचे आपको छोटी सी ग्रिल दी जाती है। बात करते हैं फिंडर की, तो फिंडर के अंदर से कोई कर्व्स वगैरह नहीं है, जस्ट इंडिकेटर दिया गया है। और मिडम में जी आपको रबड़ीनुमा गोले मिलते हैं ब्लैक कलर के, जो कि फ्रंट फिंडर के अंदर और विंडोज़ के अंदर आप लोगों को अवेलेबल देखने को मिलेंगे। फ्रंट स्क्रीन की बात की जाए तो इसकी नीट एंड क्लीन ही है, तो गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। साइडों में आपको इसकी रबड़ीनुमा गोले मिलते हैं, ऊपर आपके इसका रूफ के ऊपर आपको इसका एंटीना मिल जाता है रेडियो का। यहाँ पर बात करते हैं गाड़ी की राइट साइड की प्रोफाइल की, तो राइट साइड की प्रोफाइल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैच नहीं है और माशाल्लाह ज़बरदस्त। गाड़ी के अगर टायर वाइज बात की जाए तो इसके अंदर आपको 13 के टायर्स मिलते हैं, 65, 70 और 13 के आपको इसके अंदर टायर्स मिलते हैं। ओरिजिनल आपको इसके अंदर व्हील कप मिलते हैं सुजुकी के, और इन जो कंपनी फिटेड आया करते थे वो ये व्हील कप्स हैं। ठीक है, ये मार्केट में काफ़ी कम मिलते हैं, अगर मिले भी तो इनका कलर वाइज थोड़ा सा चेंजिंग होगी और डिज़ाइन वाइज भी थोड़ी सी ना या तो क्लिप लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वह इसके अंदर मतलब ना सही फिट नहीं आते। इसके अंदर आपको ब्रांड न्यू टायर्स मिलते हैं, कंपनी के टायर नहीं है, बाद में इसके डाले गए क्योंकि कंपनी के जो है ना वो मैं उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो गई है। अगर बात करें गाड़ी की विंडोज़ की, तो विंडोज़ के मिडम में मैंने आपको गोले तो बता दी है। इसके साइड मिरर्स ब्लैक कलर के आए हैं और वो कंपनी फिटेड इनका बिल्कुल बॉडी कलर की तरह सेम आए। आप लोग जो अभी मार्केट में बाज़ार में देखते हैं गाड़ियाँ मरगला, उनके जो साइड मिरर होते हैं वो मैट ब्लैक कलर में होते हैं, वो आफ्टर मार्केट डाले जाते हैं क्योंकि ओरिजिनल तो आपको पता है जेन्युइन के साथ ही आए हैं। ठीक है, तो अभी ओरिजिनल है, इसके रिटेक्टेबल तो नहीं मिलते लेकिन नज़र साहब इनकी जस्टमेंट GLX वेरिएंट के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर विंडोज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, पैनल्स भी ब्लैक्स हैं और बैक साइड की अगर फिंडर की बात करें तो वो भी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई कर्व्स नहीं है, जस्ट मिडम में आपको जस्ट गोले मिल जाते हैं। बात करते हैं गाड़ी की बैक साइड की प्रोफाइल की, तो पहले बैक साइड की स्क्रीन की बात करें तो इसके अंदर आपको देखें मिडम में ब्रेक लाइट का डिज़ाइन किस तरह का दिया गया है, इतना अमेजिंग, काफ़ी डिसेंट और काफ़ी एक अलग यूनिक सा इसके अंदर डाला गया है। इसके अंदर आपको इसके बैक साइड के ऊपर आपके इसके फोक के लिए आपके इसके अंदर शीशे के अंदर आपको दिए गए सिस्टम, अगर कोई आप बारिश के दौरान या फोग में गाड़ी यूज़ करते हैं तो मिरर के अंदर आपको फोग वगैरह नहीं डलती वो भी मिलेगी, इसके अंदर ये सिस्टम भी आया है बटन्स का। पीछे जी आपको मरगल्ला का, आपको GLX का आपको ओरिजिनल ट्रिमिंग मिलती है मिडम में सुजुकी का। नीचे आपको इसके ट्रंक के ऊपर ओरिजिनल कंपनी का ही बिल्कुल ऊपर कलियां वगैरह लगी हुई हैं, कस्टम क्लियर गाड़ी का।
माशाल्लाह नीट एंड क्लीन। इसकी अगर टेल लाइट्स बात की जाए तो नीचे आपको इंडिकेटर, ऊपर आपको इसकी ब्रेक लाइट दी जाती है, और जो इसकी रिवर्स लाइट है वो आपको ट्रंक के अंदर नीचे वाइट एंगल के अंदर दी जाती है। नीचे अगर इसके बम्पर की बात करें तो बम्पर आपको हार्ड प्लास्टिक के क्रोम की ट्रिमिंग, और नीचे आपको छोटी सी ग्रिल बैक साइड बम्पर के अंदर भी मिल जाती है। मैट्स आपको इसके अंदर चिकन मैट जिसे हम कहते हैं वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। और गाड़ी हाइट वाइज बात की जाए तो ये ओरिजिनल हाइट के अंदर है, बिल्कुल कम्फर्टेबल, आप जैसे मर्जी इसे यूज़ करें गाड़ी नीचे से नहीं लगेगी। ऊपर का रूफ भी नीट एंड क्लीन। या आगे इसकी लेफ्ट साइड की अगर फ्यूल टैंक वाइज बात की जाए तो इसके अंदर आपको 55 लीटर का आपको उसका फ्यूल टैंक स्टोरेज मिल जाती है। और अगर गाड़ी की माइलेज के पेट्रोल माइलेज की बात की जाए इसके अंदर आपको 12 से 13 आपको कंपनी दे रही है इसकी माइलेज, ठीक है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इसका बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जीरो मीटर समझ लें, ठीक है। स्टेरिंग इसका काफ़ी यूनिक सा है सुजुकी का, इसके अंदर फिनिशिंग है, मैं आपको लोगो दिए गया, तीन आपको इसके अंदर कंफर्टेबल पकड़ने के लिए हैंडल्स दिए गए हैं, एक बड़ा और छोटे तीन, ठीक है। और जिसका हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको डैशबोर्ड मिलता है, साइडों में भी प्लास्टिक की फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पर आपको एसी के विंड्स मिलते हैं, ओरिजिनल आपको कंपनी फिटेड एसी स्टॉल मिल जाता है। इसके अंदर विंड्स एसी के काफी सारे हैं, राइट की जाने भी, ऊपर भी, मिडम में भी, लेफ्ट विंडोज के अंदर भी, राइट एंड लेफ्ट के अंदर आपको मिल जाते हैं, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। 5 स्पीड आपको इसके अंदर मैनुअल मिल जाती है, यहाँ पर आपके इसके अंदर पावर बटन, GLX वेरिएंट है तो इसके अंदर पावर बटन भी आपको मिलेंगे, नहीं तो ज्यादातर आपको मैनुअल ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी आपको क्रीमी कलर की आपके इसके अंदर कपड़ा मिलता है, और यहाँ पर आपके इसके हार्ड प्लास्टिक की ट्रिमिंग, हार्ड प्लास्टिक के आपको हैंडल्स, इसके अंदर रेड कलर की आपको थोड़ी सी बहुत फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। नीचे आपको ओरिजिनल मैट्स मिलते हैं कंपनी के सुजुकी के, नीचे आपको फेनबोर्ड के ऊपर प्लास्टिक की ट्रिमिंग, ट्रंक के बटन, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल इसके अंदर दी गई हैं। अब बात करते हैं बैक साइड की सीट की, तो फ्लैट सीट है, अब दो बंदे तो इजीली बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा भी आप ये समझ ले कि रिलैक्स होकर बैठ सकता है। अगर मेरे हिसाब से बैठे तो कंफर्टेबल है, अगर मेरी हाइट से ज़रा सा ना हट्टे कट्टे हो तो फिर आप ये समझ ले कि दो बंदे से ज़्यादा नहीं पीछे बैठ सकते। यहाँ पर ये इसके डोर आ गए जी, इसके विंडोज़ के, यहाँ पर उनकी भी डिज़ाइनिंग देख लें, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन। ये आगे जी इसके स्पीडोमीटर, इसके अंदर आपको ग्रीन कलर की लाइट्स मिलती है। ये आगे इसके पावर बटन, फ्रंट ऑटो मिलता है, तीन मैनुअल विंडोज़ लॉक अनलॉक का बटन्स, और विंडो के डिज़ाइन आप देख लें, यहाँ पर आपको इसके ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक, नीचे भी प्लास्टिक, मिडल में थोड़ी बहुत ग्रीन, उसके ऊपर आपको कंपनी की फिटेड आपको इसके अंदर कली वगैरह मिल जाती है। ये आगे इसका ट्रंक, ओरिजिनल आपको इसके अंदर स्टेपनी मिलती है, और नीचे का अंदर का ट्रंक देख लें, नीट एंड क्लीन, कोई स्क्रैच नहीं, स्क्रैचलेस आपको इसके अंदर ट्रंक मिलता है। ट्रंक की स्टोरेज के वाइज से बात की जाए तो इसके अंदर आप 3 से 4 छोटे बैग रख सकते हैं। यहाँ पर अगर फ्रंट इंजन रूम की बात की जाए तो ये आगे फ्रंट इंजन रूम, और माशाल्लाह नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। ब्लैक कलर है इसके ऊपर, स्क्रैचेस दूर से नज़र आ जाते हैं, और आप देखें यहाँ पर एक ना बाल बराबर भी स्क्रैचेस आपको नहीं मिलेगा, इसलिए तो इसकी प्राइस 22 लाख है, ठीक है। यहाँ पर इसका फ्रंट इंजन रूम देख लें, फ्रंट कुप्पे देख लें, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन। फ्रंट की पट्टी आपके अंदर 1.13 cc का आपके कार्बोरेटर इंजन मिल जाता है, और ये आगे इसके कुछ फ्रंट इंजन रूम, ब्रांड न्यू बैटरी है, कूलेंट वगैरह आपको कंपनी फिटेड मिल जाता है, एसी स्टॉल, हीटर, हर चीज़ माशाल्लाह परफेक्टली परफेक्टली। तो ये था आज के रिव्यू सुजुकी मरगल्ला GLX 1.3 का, 92 से मॉडल शुरू हुए हैं, ठीक है ये मॉडल, ठीक है। तो इसके अंदर सादा वेरिएंट, इसके अंदर पावर है, और ये आपको GLX, इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड एसी है, कंपनी फिटेड आपको पावर बटन्स हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, एडजस्टमेंट वाले, इसके अलावा आपको इसके लाइट्स में और थोड़े बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा विंडोज़ के अंदर, गोले वगैरह की डिफरेंट, मतलब वो शेप वाइज तो सेम ही है लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जिस तरह अभी GLI XLI अल्टस में थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने को मिलती हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह इन मॉडल्स में भी आया। तो उम्मीद है आपको रिव्यू अच्छा लगेगा, मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, अपने भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।